प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैंने सिलेवल का क्लासेज लिया था, जो फ्री लाइव क्लासेज आपको डेली जो 5 बजे चलते हैं, उसमें मैंने जो है आपका 29 मई को मैंने क्लास लिया था सिलेवल का। उसके बाद एक स्टूडेंट का जो है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और उन्होंने बोला कि सर, हम सिलेवल को इस तरीके से काउंट कर सकते हैं ना कि जितना कॉन्सोनेंट है उसको सी से रिप्रेजेंट कर देंगे और जितना वॉवेल है उसको भी से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसमें जो है हम लोग काउंट कर लेंगे, है ना, उसमें हम लोग काउंट कर लेंगे और जितना भी सी आएगा, है ना, नंबर ऑफ भी सी जितने आएंगे उतने ही नंबर ऑफ सी लेवल होंगे। क्या इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब VC करके आप काउंट करते हैं तो इसका कुछ लिमिटेशंस आ जाता है, है ना, कुछ लिमिटेशंस आ जाता है। कब लिमिटेशंस आता है? जब आपका जो है दो वॉवेल साउंड्स मिलते हैं या आपका दो वॉवेल अलग अलग पोजीशंस होता है, या कई बार दो वॉवेल हैं, पोजीशन एक है लेकिन उसका साउंड एक ही आ रहा है, या फिर कई बार वॉवेल जो है लास्ट में लगा हुआ होता है, तो वो कई बार जो है लास्ट में वॉवेल लगा हुआ रहता है तो प्रोनंसिएट करते हैं, कई बार लगा हुआ रहता है तो प्रोनंसिएट नहीं करते हैं। तो VC करके यानी वॉल्यूम, जितने वॉवेल हैं उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे और जितने कॉन्सोनेंट हैं उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस रिप्रेजेंटेशन को करने के बाद आप आसानी से निकाल तो सकते हैं लेकिन कई बार लिमिटेशंस होता है, बट 90% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये उन कैंडिडेट ने जो है मुझे शेयर किया था, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाया था टेली कम्युनिकेशंस, उसमें जो है उन्होंने क्वेश्चंस दिया था, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से भी जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये सेशंस, ये छोटा सा वीडियोस था बस बताने के लिए कि आप जो है सिलेवल को या नंबर ऑफ सिलेवल को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट ने हमारे पास शेयर किया था उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, ताकि ये आइडियाज़, ये तरीकाएँ आपको भी पता हो सके। मैंने इस तरीका को इसलिए कई बार नहीं बताया क्योंकि इसका कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं इस कारण से, बट आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टेली कम्युनिकेशन में मैंने लिखा तो T कॉन्सोनेंट है, E वॉवेल है, फिर L कॉन्सोनेंट है, V वॉवेल है, तो जहाँ पे पहले V आ रहा है और उसके बाद C आ रहा है उसको लेकर चलना है, है ना, पहले C नहीं आना चाहिए, पहले V आना चाहिए। VC जितने नंबर ऑफ टाइम्स VC आएंगे उतने ही नंबर ऑफ सिलेबल होंगे। तो ये सिलेबल काउंट करने का एक इजी और आसान तरीका है, लेकिन मैंने बोला ना कि इसका कुछ लिमिटेशंस है, बट अगर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं तो गलत नहीं होगा, 99% गलत नहीं होंगे। देखो, अब एक्सेप्शन तो हर चीज़ का है, है ना, आप अगर 10 घंटे पढ़ते हो सकता है कि रिजल्ट हो, बट कई बार क्या होता है कि आप 10 घंटा पढ़ने के बावजूद भी कई बार रिजल्ट नहीं होता है, तो कुछ लिमिटेशंस तो होते ही हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसे भूल जाओ, बस इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वीडियोज़ के माध्यम से आपको डेफिनेटली पूरी अपडेट दी जाएगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं। और BCCLE का अगर आप कंप्लीट क्लास लेना चाहते हो तो आपको इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे आपको अवेलेबल है। अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है, फुल कोर्स वो भी अवेलेबल है, तो जो आपको पसंद आए वो आप जो है लेकर परचेज करके आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी फ्री क्लासेस जो है आपको हमारे जो सेकंड चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस चैनल पे जाओ और पर डे
5 बजे शाम में आपकी जो है लाइव क्लासेस होती है। कब तक ये लाइव क्लासेज होगी? जब तक कि 2023 का एग्ज़ाम जो है ना हो जाए, है ना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपकी जो है लाइव क्लासेस ली जाएगी। ओके, तो आप ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, आप लोगों का जो डाउट्स रहता है उन डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो आप लोग जो है वहाँ पे जुड़ें और अपने डाउट्स को ज़रूर पूछें। थैंक यू।